हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर्स सिबलिंग्स। फ्रेंड्स, लास्ट हमने हारमोनी विधियों का ICSE बोर्ड का चैप्टर 5th पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ पॉट्स। पॉट्स यानी वो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, उसी से रिलेटेड है, उसका क्या सीक्रेट था आज हम वो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पीपल विद ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर हैंडल द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ इन वेरी टैक्टफुल मैनर। जिन लोगों का ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, मीन्स जो हर बात को मजाक के तौर पर लेते हैं, वो प्रॉब्लम्स को, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें बड़े ही टैक्टफुल मैनर में, टैक्टफुल मीन्स कुशल व्यवहार, मीन्स बहुत ही आराम से, प्यार से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन इज़ अ कैरेक्टर नॉन फॉर हिज विजडम, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड टैक्टफुलनेस। मुल्ला नसरुद्दीन का हम सभी ने नाम सुना हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन भी एक ऐसे ही कैरेक्टर हैं जो अपनी समझदारी, विजडम के लिए, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए, ह्यूमर मैंने अभी बताया मजाक का जो सेंस होता है, और टैक्टफुलनेस मीन्स आराम से प्यार से सभी चीज़ों को सॉल्व कर लेना, उस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। इस चैप्टर में क्या है, इन द फॉलोइंग स्टोरी ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू एक्सपोज द ग्रीड ऑफ विलेजर्स। इस स्टोरी में जो मुल्ला नसरुद्दीन हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस यानी अपनी समझदारी का, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके गांव वालों का जो लालच होता है उसे एक्सपोज करते हैं। गांव वालों का लालच, जो ग्रीड होती है, उसको चीज़ को एक्सपोज करते हैं। तो क्या होता है इस स्टोरी में, वंस मुल्ला नसरुद्दीन डिज़ायर टू गिव ग्रैंड फीस टू हिज क्लोज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को इच्छा हुई, डिज़ायर हुई, बहुत बड़ी इच्छा हुई, जिससे वो क्या इच्छा हुई कि अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को अपने बर्थडे वाले दिन दावत दें, बहुत बड़ी दावत, फीस मीन्स दावत। ही वेंट टू द मार्केट टू परचेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब वो आगे क्या होता है, आगे वो मार्केट जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। ही इवन बॉट राइस फ्रॉम द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट से वो राइस भी खरीदते हैं। ही इंगेज्ड ऑफ कुक्स टू प्रिपेयर फीस्ट फॉर द गेस्ट्स। अब वो कुक्स के साथ, जो लोग खाना पकाते हैं उन्हें हम कुक बोलते हैं, आपको भी पता होगा, तो उनके साथ इंगेज हो जाते हैं, मीन्स उनके साथ बिजी हो जाते हैं खाना पकवाने में गेस्ट के लिए। बट लेकिन ही डिड नॉट हैव बिग पॉट्स, लेकिन उनके पास बड़े बड़े बर्तन नहीं थे और यूटेंसिल्स नहीं थे रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फीस्ट। जो दावत अगर हम किसी को देते हैं तो उनमें घर के बर्तनों में तो खाना नहीं बन पाता, इसलिए उनके पास इतने बड़े बड़े पॉट्स नहीं थे कि वो खाना उनमें पका सकें। तो वो क्या करते हैं, सो ही वेंट टू हिज नेबर्स एंड बोरोड बिग यूटेंसिल्स एंड पॉट्स। इसलिए वो अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं और बड़े बड़े बर्तन और मटके उनसे उधार ले आते हैं, बोरो मीन्स उधार ले आते हैं कुछ समय के लिए। हिज नेबर्स लेंट हिम ऑल द यूटेंसिल्स दैट ही रिक्वायर्ड। उसके जो पड़ोसी होते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन के जो पड़ोसी होते हैं, वो उन्हें सारे बर्तन दे देते हैं जिन जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। एट लास्ट, लास्ट में क्या होता है, ग्रैंड फीस्ट वॉज ऑर्गेनाइज, एक बहुत बड़ी दावत होती है। ऑल द गेस्ट वर डिलइटेड एंड वेल फेड, सारे गेस्ट जो थे वो बहुत खुश थे और उन सभी ने अच्छे से खाना खाया, वेल फेड मीन्स अच्छे से खाना खाया उन्होंने। द नेक्स्ट डे मुल्ला वेंट टू रिटर्न द पॉट्स टू हिज नेबर्स। नेक्स्ट डे क्या होता है, मुल्ला जो है वो अपने पड़ोसियों के जो बर्तन उन्होंने उधार लिए थे उन्हें वापस करने जाते हैं। अलॉन्ग विद ईच बिग पॉट, हर बड़े बर्तन के साथ ही रिटर्न्ड अ स्मॉल पॉट ऑफ द सेम काइंड, उसी तरह का एक उन्होंने छोटा बर्तन उन्हें रिटर्न किया। बट वाई आर यू रिटर्निंग टू पॉट्स एवरी वन आज, लेकिन सभी ने क्या पूछा, लेकिन तुम दो पॉट्स क्यों रिटर्न कर रहे हो, हमने तो तुम्हें एक दिया था, तुम दो क्यों रिटर्न कर रहे हो। एक्चुअली लास्ट नाइट क्या हुआ था, आई केप्ट ऑल द पॉट्स इन माई सेलर। सेलर होता है तहखाना, या फिर हम अलमीरा को बोल सकते हैं। उन्होंने, अब मुल्ला नसरुद्दीन उनकी बात का रिप्लाई क्या करते हैं, फिर लास्ट नाइट मैंने सारे पॉट्स जो थे, सारे बर्तन जो थे, वो अपनी सेलर में, अपनी अलमारी में रख दिए थे। इट हैज़ मैजिकल पावर, उसके पास मैजिकल पावर है, जादुई शक्ति है, मैजिकल पावर है किसके पास, सेलर के पास, अलमारी में उसमें मैजिकल पावर्स हैं। विच गिव्स लाइफ टू वॉट एवर इज कैप्ट देयर, जिससे उस अलमारी में जो भी हम चीज़ रखते हैं उसे उसमें लाइफ आ जाती है, मीन्स उसमें जान आ जाती है। सो व्हेन आई केप्ट दीज पॉट्स इन द सेलर, इसलिए जब मैंने इन पॉट को उस सेलर में रखा, उस अलमीरा में रखा, दे केम टू लाइफ, उनमें जान आ गई एंड गेव बर्थ टू अ न्यू पॉट, और एक नए पॉट को जन्म दिया।
सो दिस न्यू पॉट ऑल्सो बिलोंग्स टू यू, इसलिए ये नया पॉट भी जो है वो आपका ही है. एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी नाउ, सब बहुत खुश होते हैं इस बात से. ऑल द नाइबर्स मेड फन ऑफ मुल्लाज स्टूपिडिटी, और सारे पड़ोसी जो होते हैं वो मुल्ला की स्टूपिडिटी का मजाक भी बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग में एकदम से जान आ जाए और वो उसमें एक नए पॉट को बर्थ दे दे, तो उन्हें लगता है कि मुल्ला नसरुद्दीन पागल हो गए हैं. देखते हैं आगे क्या होता है, वो कैसे एक्सपोज करते हैं उन ग्रीड, उन विलेजर्स की ग्रीड को, लालच को. बट एक्सेप्टेड द पॉट्स फ्रॉम हिम, सभी उसकी स्टूपिडिटी पर हंस रहे थे, उसके पागलपन पर हंस रहे थे, लेकिन उससे पॉट्स भी ले लिए उन्होंने, जो नया पॉट वो साथ में दे रहे थे. फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद क्या होता है, मुल्ला अगेन ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड फीस्ट. मुल्ला जो है वो फिर से एक बहुत बड़ी दावत करते हैं. अगेन ही नीडेड बिग पॉट्स एंड पैन्स टू कुक मील्स, फिर से उन्हें नए नए बड़े बड़े बर्तन चाहिए थे खाना बनाने के लिए. सो ही अगेन वेंट टू हिज नाइबर्स एंड बोरोड यूटेंसिल्स फ्रॉम देम, इसलिए वो फिर से अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं और उनसे बर्तन उधार लाते हैं. दिस टाइम, इस टाइम क्या होता है, द पीपल वर हैप्पी टू लैंड हिम द पॉट्स, इस बार लोग बहुत ज़्यादा खुश थे उन्हें बर्तन उधार देने के लिए. एंड गेव हिम मैनी मोर यूटेंसिल्स देन ही नीडेड, और बहुत ही ज़्यादा बर्तन दे दिए, जितने उन्हें ज़रूरत थी उससे ज़्यादा भी दे दिए कि ले जाओ. उन्हें क्या लालच था कि उनको और एक्स्ट्रा बर्तन मिलेंगे जब वो वापस करने आएगा. मुल्ला होस्टेड अ ग्रैंड फीस्ट अगेन एंड एवरीबडी अटेंडेड एंड एंजॉयड इट, मुल्ला फिर से एक बहुत बड़ी दावत करते हैं और सभी लोग उससे अटेंड करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं. When the party was over, जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, उनकी दावत ख़त्म हो जाती है, मुल्ला collected all the utensils, मुल्ला जो है वो सारे बर्तनों को ले जाते हैं and went to the town, और टाउन जाते हैं and sold them off for a good amount of money, और उन सभी बर्तनों को वो वहाँ जाकर बेच देते हैं, सोल्ड कर देते हैं, और जिनसे उन्हें बहुत सारा अच्छा खासा पैसा मिलता है. ही रिटर्न बैक एज अ रिच मैन, और वो एक बहुत अमीर आदमी बन के वापस आते हैं. नेक्स्ट क्या होता है, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक मुल्लाज नाइबर्स वेटेड टू गेट बैक देयर न्यू यूटेंसिल्स, मुल्ला के जो पड़ोसी थे वो बहुत दिन तक वेट करते रहे कि मुल्ला आएगा, मुल्ला नसरुद्दीन आएंगे और हमारे बर्तन वापस देंगे. देन दे डिसाइडेड टू गो टू मुल्लाज हाउस, और उसके बाद जब वो मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ पर नहीं आते उनके बर्तन देने के लिए, तो वो वहाँ पर मुल्ला नसरुद्दीन के घर जाते हैं अपने बर्तन वापस लेने के लिए. दे आस्क्ड मुल्ला टू रिटर्न बैक द यूटेंसिल्स एंड पॉट्स, वो मुल्ला जी से पूछते हैं कि अपने बर्तन हमें, हमारे बर्तन हमें वापस दे दो. रिटर्न योर पॉट्स, आई कांट, आई डोंट हैव एनी, रिप्लाइड मुल्ला लाइंग ऑन हिज काउच. काउच मींस होता है सोफ़ा, सोफे पर बैठते हुए मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं, आपके पॉट्स वापस कर दूँ? मैं नहीं करूँगा, मेरे पास है ही नहीं. क्यों नहीं है उनके पास? क्योंकि उन्होंने तो वो बेच दिए वहाँ अपने टाउन में जाकर. आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी, पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, मुल्ला नसरुद्दीन के पास बहुत सारे लोग आए हैं. ये मुल्ला नसरुद्दीन हैं और ये उनके नेबर्स हैं जिनसे इन्होंने बर्तन लिए थे. वाई, वॉट आर यू सेइंग, वी लेंट यू सो मैनी पॉट्स, एवरी वन वॉज फ्यूरियस. फ्यूरियस मींस होता है गुस्सा हो जाना. जब गुस्सा तो आएगा ही, जब हम किसी से कुछ सामान लेते हैं और हम वापस ना करें तो सामने वाले को गुस्सा आएगा. तो सभी लोग गुस्से से पूछते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, हमने तुम्हें इतने सारे पॉट्स दिए थे. तो आगे क्या होता है, डोंट शाउट एट मी, रिप्लाइड मुल्ला. मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं मेरे पर चिल्लाओ मत. आई कैप्ट द पॉट्स इन द सेलर आफ्टर द फीस्ट लाइक लास्ट टाइम एंड नो दे नाउ दे आर नॉट देयर. अब मेरे पर चिल्लाओ मत, मुल्ला बोलते हैं कि मेरे पर चिल्लाओ मत, मैंने उन पॉट्स को जैसे लास्ट टाइम सेलर में अपनी अलमारी में रखा था दावत के बाद, मैंने ऐसा ही किया इस बार भी, लेकिन अब यहाँ पर वो नहीं है. बट वेयर आर दे, उनके जो पड़ोसी होते हैं वो पूछते हैं, लेकिन अब कहाँ गए वो, आई डोंट नो. मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं मुझे नहीं पता. द नाइबर्स डिसाइडेड टू टेक द मैटर इन पंचायत. तो नाइबर्स जो होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं उनके, वो डिसाइड करते हैं कि इस मैटर को वो पंचायत में ले जाएंगे. आफ्टर लिसनिंग द ग्रीवेंसेज ऑफ द पीपल, ग्रीवेंसेज मीन्स कंप्लेंट्स, शिकायत करना. और तो पंचायत के पास जब वो लोग जाते हैं सब, तो लोगों की शिकायतें सुनने के बाद द पंचायत ऑर्डर्ड मुल्ला, पंचायत ने मुल्ला नसरुद्दीन को ऑर्डर दिया, आदेश दिया टू रिटर्न बैक द पॉट्स, पॉट्स को वापस कर दें, एंड यूटेंसिल्स टू हिज नाइबर्स, सारे बर्तन मटके जो भी उन्होंने लिए थे सभी अपने पड़ोसियों को वो वापस कर दें. मुल्ला रिप्लाइड हम्बली, हम्बली मीन्स बहुत प्यार से, शांत स्वभाव से वो रिप्लाई करते हैं, सर आई कांट रिटर्न दैम, मैं उन्हें रिटर्न नहीं कर सकता.
आगे देखते हैं क्या होता है, क्यों नहीं रिटर्न कर सकते, अब वो आगे ये पूछेंगे। देख बट वाई आज द हेड ऑफ द पंचायत, पंचायत का जो हेड होता है, जो मेन हेड होता है, वो पूछता है लेकिन क्यों। सर बिकॉज दे आर डेड, सेड मुल्ला। मुल्ला बोलते हैं कि क्या सर, क्योंकि वो मर चुके हैं इसलिए मैं उन्हें वापस नहीं कर सकता। हाउ कैन पॉट्स बी डेड, यू आर फूलिंग अस, शाउटेड एवरीवन। सभी लोग चिल्लाते हैं कि पॉट्स मर कैसे सकते हैं, तो हमें पागल बना रहे हो। मुल्ला एक्सप्लेन करते हैं, अर्लियर व्हेन आई बोरोड देयर पॉट्स एंड कैप्ट देम इन माय सेलर, जब मैंने पहली जब इन्होंने दावत दी थी तब उसमें मैंने इनसे पॉट्स लिए थे और मैंने अपनी अलमारी में उन पॉट्स को रखा था। आई टोल्ड देम दैट माई सेलर हैज़ अ स्पेशल मैजिकल पावर, तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरे सेलर की, मेरी अलमीरा की एक स्पेशल मैजिकल पावर है एंड इट कैन गिव लाइफ टू एनी थिंग दैट वॉज कैप्टन नेड, और वो उन मैजिकल पावर्स की वजह से उस अलमीरा में हम जो भी चीज़ें रखते हैं उसे लाइफ आ जाती, मिल जाती है, उसमें जान आ जाती है। सो द पॉट्स गेव बर्थ टू अ स्मॉल पॉट, इसलिए पॉट्स ने एक छोटे पॉट को भी बर्थ दिया। विच आई रिटर्न टू ईच वन ऑफ देम, जो मैंने सभी के लौटा दिए थे। एवरी वन एग्रीड विद द फैक्ट, इस फैक्ट से सभी लोग एग्री करते हैं। दिस टाइम, इस बार क्या हुआ, वेन आई कैप्ट ऑल द पॉट्स दे ऑल डाइड, जब मैंने सारे पॉट्स वहाँ पर रखे तो वो मर गए। सो वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ इसलिए इसमें, इफ पॉट्स कैन गिव बर्थ टू न्यू पॉट्स देन वाई कांट दे डाई, अगर पॉट्स जो हैं वो नए पॉट्स को जन्म दे भी सकते हैं तो वो मर क्यों नहीं सकते। द पंचायत अंडरस्टूड मुल्लास पॉइंट एंड डिसमिस्ड द केस, तो जो पंचायत होती है वो मुल्ला के उस पॉइंट को समझ जाती है कि मुल्ला जी क्या कहना चाह रहे हैं और उस केस को डिसमिस कर देती है, मीन्स रद्द कर देती है। तो वो लोग क्या समझ गए, यही समझ गए कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। वो लोग लालच कर रहे थे इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन दिए, इसलिए वो वहाँ पर नहीं मिले उन्हें। तो इस चैप्टर का मोरल क्या है, विट्स विन ओवर क्रूड्स, विट्स मीन्स चतुराई जो है वो क्रूड्स पर जीतती है। क्रूड मीन्स होता है वैसे टेढ़ा मेढ़ा से यहाँ पर मतलब है जो चालाक लोग होते हैं उनसे चतुराई से ही जीता जा सकता है। फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स या कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।